एवरीवन, दिस इज़ नीर गांधी और आज हम लोग यहाँ पे कुछ सीखने वाले हैं सी लैंग्वेज। जहाँ पे यहाँ पे है ना, ज़्यादातर मिथ होता है कि भाई सी लैंग्वेज सीखने के लिए हम लोगों को एक्चुअली बड़े क्लासेस या वगैरह में जाना पड़ता है या फिर बहुत सारी फ़ीस देनी पड़ती है। जबकि यहाँ पे हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर आपको ईजीली हिंदी लैंग्वेज और गुजराती लैंग्वेज के अंदर आपको सीखने के लिए मिले। अब सी लैंग्वेज का थोड़ा इंपॉर्टेंस सीख लेते हैं हम लोग। सी लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता, पर मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा कि 10th और 12th के बाद अगर आप मैथ्स फील्ड ले रहे हो साइंस के अंदर, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सी लैंग्वेज सीखें, क्योंकि सी सबसे बेसिक होता है, उसका पिलर होता है। आप किसी भी लैंग्वेज में जाते हो, उसका सबसे ज़्यादा बेसिक होता है सी लैंग्वेज। इसके लिए सी लैंग्वेज आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, भले आप इंजीनियरिंग में कोई भी फील्ड क्यों नहीं ले रहे हो, कहीं ना कहीं कोडिंग या कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट कॉलेज या कहीं ना कहीं आपको ज़रूर पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर के बिना इस जनरेशन के अंदर और कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग सी लैंग्वेज के बारे में कुछ स्टार्ट करते हैं बेसिक से, छोटी छोटी चीज़ें से, बराबर। तो सबसे पहला, सी लैंग्वेज किसने इन्वेंट किया था, किसने ब्रॉट अप किया था मार्केट के अंदर? तो सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस बाय डैनिस रिच एंड कैन थॉम्सन, डैनिस रिच एंड कैन थॉम्सन इन 1972 इन बेल लेबोरेटरीज। ये अगर आप कॉलेज में हो तो डेफिनेटली आपको ये चीज़ पता होनी ही चाहिए, और अगर नहीं हो फिर भी आपको कॉलेज में ज़्यादातर काम में आएगा, ओके। और दूसरी चीज़ होती है, मैंने यहाँ पे लिखा है टर्बोसी कंपाइलर। अब ज़्यादातर लोग बोलेंगे कि हम लोग टर्बोसी मतलब सी लैंग्वेज है तो हम सी लैंग्वेज सीखेंगे कैसे, या फिर सी लैंग्वेज परफॉर्म कहाँ करेंगे? तो हर एक चीज़ का एक प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे बोलूँ कि प्लेटफॉर्म की चीज़ है तो हम लोग प्लेटफॉर्म कहाँ कोई चीज़ लिख सकते हैं, क्योंकि देखो जब यहाँ पे बात आती है कंप्यूटर की, तो हम कंप्यूटर को जो हम समझ सकते हैं बोल सकते हैं वो कंप्यूटर नहीं समझ सकता, ये सबको पता है, वेरी कॉमन चीज़, राइट। कंप्यूटर क्या समझता है? बाइनरी लैंग्वेज। अब बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कौन करता है हमारे लिए? टर्बोसी कंपाइलर। टर्बोसी कंपाइलर हमारे लिए क्या करता है कि भाई जितनी भी चीज़ें, जो भी कोड या हम उनसे करवाना चाहते हैं कोडिंग, वो सारी चीज़ों को कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है और फिर हमको करता है, सेम एज OS या फिर कोई भी चीज़ जो हमको नॉर्मल PC फ़ोन वगैरह में यूज़ करने के लिए करती है, यहाँ पे कोडिंग के लिए हमारे लिए टर्बोसी कंपाइलर है, जो आपको फ़ोन के अंदर PC के अंदर बहुत ईजिली गूगल क्रोम पे और प्ले स्टोर पे ईजिली डाउनलोड करने को मिल जाएगा, तो आप दोनों जगह पे सीख सकते हो। तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप हमारे ट्यूटोरियल देख रहे हो यहाँ पे, तो आप ये पहले सबसे पहले डाउनलोड करो, तो ही आपको आगे के स्टेप्स पाएंगे और आप ईजिली कुछ पार्ट्स या कुछ छोटे से शॉर्ट स्टेप्स के अंदर से आप यहाँ से सीख लोगे। सो अब हम इस चीज़ में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग क्या क्या सीखने वाले सी लैंग्वेज के अंदर अंदर, ठीक है ना। हम स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक हेडर फाइल्स क्या होती है, कैसे होती है वगैरह, सबसे पहला पॉइंट होगा। सेकंड होगा ऑपरेटर्स के, हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटर्स है, लाइक बिटवाइज ऑपरेटर है, स्पेशल ऑपरेटर है, कंडीशंस है। फिर हमारे पास होगा लूप्स, जब एक ही चीज़ को आपको एक ही काम कंप्यूटर से बार बार करवाना है तो आपको कितना सारा कोड लिखना पड़ता है, इसीलिए लूप्स होता है कि आपको जितनी बार आप चाहो उतनी बार वो उसको रोटेट करता रहेगा। उसके बाद होगा स्विच स्टेटमेंट्स होगा, फिर हम लोग फाइल सीखेंगे, फाइल सिस्टम, आपका जो भी आप चाहते हो कि आप जो भी लिखते हो या फिर यूज़र से आप लेते हो इन्फॉर्मेशन, तो वो कहाँ से स्टोर होगा, तो वो फाइल में स्टोर होगा। फिर उसके फंक्शंस होते हैं, टोकन्स, आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, मतलब कंप्यूटर खुद के डिसीजंस कैसे ले सकता है, राइट। फिर होगा कंट्रोल फ्लो, आपका फ्लो कहाँ से कहाँ जा रहा है, कहाँ पे ब्रेक होना चाहते हो आप, कहाँ पे करना चाहते हो, वो सब आपको कंट्रोल फ्लो में देखने मिलेगा। स्ट्रक्चर एंड यूनियन बहुत ही स्पेशल चीज़ होती है। उसके बाद होता है पॉइंटर्स, किसी भी मेमोरी एलोकेशन, किसकी भी चीज़ की मेमोरी एलोकेट कहाँ पे हुई है, उसका एड्रेस कहाँ पे है, वो जानने के लिए हमको पॉइंटर्स यूज़ में आता है। और लास्टली होता है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा आपके आप लोगों के लिए कि डायनेमिक और स्टैटिक के बीच में डिफरेंस ज़्यादातर लोगों को पता होता है, फिर भी मैं एक बार यहाँ पे एक बार बता देना चाहता हूँ, राइट। स्टैटिक और डायनेमिक में आप अगर टाइम की बात करते हो तो मेरे हिसाब से अभी सबके पास है ना स्मार्टफोन्स होते हैं, तो आप जब स्मार्टफोन ऑन करते हो, गूगल पे जाते हो, तो शायद आपको वेदर देखने को मिलेगा या फिर वहाँ पे टाइमिंग देखने को मिलता है। अब आपके फ़ोन में हर सेकंड, हर मिनट आप जो वॉच रखते हो वो चेंज होताती है। हमारे सबके फ़ोन में वॉच होती है ना, टाइम दिखाती है, वो हर सेकंड हर मिनट क्यों चेंज होती है?
जबकि स्टैटिक चीज़ें हर सेकंड हर मिनट नहीं होती, जब वो एक टिपिकल टाइम का रिलोड दिया होता है उस चीज़ के बाद ही वो रिलोड होगा या फिर आपको करना पड़ेगा उसके बाद वो रिलोड होता है। पर डायनेमिक क्या होता है, डायनेमिक हर एक चीज़ का ऑन टाइम मतलब रन टाइम या बोलो या ऑन टाइम बोलो, ऑन टाइम एलोकेशन होता है उसको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बोलते हैं। तो तुमको ऑन टाइम मेमोरी चीज़ या फिर जो भी टाइप का कंट्रोल फ्लो आपको जो भी चाहिए वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से आप लोग सीखोगे। नेक्स्ट स्लाइड। अब होता है सबसे पहला हमारा टॉपिक सी लैंग्वेज के अंदर है हेडर फाइल्स। हेडर फाइल्स क्या होती है, किस लिए यूज़ होता है, उस चीज़ के अंदर वो हम लोग यहाँ पे जानेंगे। हेडर फाइल्स क्या होता है कि एक लाइब्रेरी फंक्शन, अगर आपने कहीं सुना हो तो किसी चीज़ का लाइब्रेरी फंक्शन उसके हेडर फाइल्स होते हैं। किसी भी प्रोग्राम का सबसे पहला जो लाइन होता है ना वो हेडर फाइल्स होता है, क्योंकि वो उसको रीड करता है प्रोग्राम। अब मैं आपको बताता हूँ, हम लोग यहाँ पे जो भी लिखते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, हम लोग कुछ भी लिखते हैं बराबर, अब वो चीज़ जैसे मैं लिखता हूँ प्रिंट हेलो हाय व्हाटसोएवर बराबर, तो वो डायरेक्ट कमांड्स नहीं होते, कमांड्स हमको खुद को जनरेट करने पड़ते हैं। वो चीज़ मतलब हमसे पहले सी लैंग्वेज के अंदर बहुत सारे कमांड्स के जो कोडिंग होती है वो कुछ लोग कर चुके हैं और उन्होंने हमको क्या दिया, एक शॉर्टकट। अब वो शॉर्टकट हम लोगों को कैसे डिप्राइव करना है या फिर कैसे लेना है और कैसे यूज़ करना है सी लैंग्वेज के अंदर, वो यहाँ हम लोग हेडर फाइल्स के थ्रू कर सकते हैं। अगर हम लोगों ने प्रोग्राम के आगे हेडर फाइल्स लगा दिए, और सबसे मेन दो हेडर फाइल्स होती है हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच और हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच बराबर, तो अगर ये दो हेडर फाइल्स होती है ना उसके अंदर ज़्यादातर सारी चीज़ें आ जाती है। कोनियो डॉट एच का मतलब होता है कंसोल इनपुट आउटपुट और स्टूडियो डॉट एच का होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। मतलब ज़्यादातर जितने भी मेन कमांड्स होते हैं वो सब स्टूडियो डॉट एच सुनाता है, और कंसोल मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारा कुछ भी कोड किया हुआ, हमने जो भी कोड किया हुआ है उसका रिजल्ट हमको जहाँ दिखता है उसके रिलेटेड जितने भी कमांड्स होंगे ना वो कोनियो डॉट एच दिखाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं सबसे पहला आपका प्रोग्राम सी लैंग्वेज का सबसे पहला प्रोग्राम हम लोग यहाँ पे देखेंगे बराबर। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले हेडर फाइल्स लगा दिया, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे बेसिक स्ट्रक्चर होता है। तो पहले दो हेडर फाइल्स हमारी हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि यहाँ पे एंगल ऑफ ब्रैकेट्स है, हम लोग नॉर्मल ब्रैकेट्स नहीं लगा सकते बिकॉज यहाँ पे ये जो सी लैंग्वेज होती है बहुत ही केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर या कोई भी टाइप के हम लोग लेटर्स लेते हैं उसको बहुत संभाल के हम लोगों को यूज़ करना पड़ता है, अगर नहीं किया तो वो एरर दिखा देगी क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये तो एक्चुअली ये सब वर्क कैसे करता है, लाइब्रेरी फंक्शंस है जो इनपुट हम लोगों ने दिए हुए हैं ऑलरेडी उसी को हम लोग यूज़ करके दूसरा बना सकते हैं। पहले तो हेडर फाइल्स के बाद हमारा था फंक्शन, ये जो वर्ड मेन है ना मेन इसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। हमारा जब सी लैंग्वेज चालू होता है और टर्बो सी में हम लोग जब कंपाइल करते हैं किसी प्रोग्राम को कोड करने के बाद उसको हम लोग रन कराते हैं, तो सबसे पहले जो मेन फंक्शन है ना मेन फंक्शन वो वहाँ से रीड करना चालू करता है। मतलब तुम्हारा जो ये पार्ट है दो ब्रैकेट के अंदर, यही जो पार्ट होता है ना इसी पार्ट के अंदर से तुम्हारा जो भी पीसी होता है सबसे पहले चालू करता है रीड करना, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए हम लोग कौन से ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हैं वॉइड में, मतलब फंक्शन के बाद हम लोग दो एम्प्टी कर्ली ब्रैकेट्स रख रहे हैं, जो आगे जाके हम लोग उसको और भी डिस्कस करेंगे डीप के अंदर, क्योंकि और भी इस टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं और उसके अंदर ज़रूरी नहीं है हम लोग एम्प्टी रखे, लेकिन हम लोगों ने वॉइड रखा है। अब वॉइड का मीनिंग क्या होता है, वॉइड का मतलब होता है एम्प्टी, जब हम लोगों ने कोई टाइप के अंदर पैरामीटर्स नहीं लिए हुए इसलिए वो वॉइड है, मतलब वो ब्रैकेट एम्प्टी रहेगा। उसके बाद दो ब्रैकेट्स होते हैं जो स्टार्ट और एंड करते हैं, ये दिस इज अ कर्ली ब्रेसिस, ओके। कर्ली ब्रेसिस की वजह से हम लोग उसके अंदर लिखा हुआ सारा कोड हम लोग इस फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं। दो चीज़ मैंने यहाँ पे और बड़ी चीज़ लिखी है, दैट इज़ क्लियर स्क्रीन CLRSCR, इसको बहुत अच्छे से याद रखना CLRSCR, दैट इज़ कर्ली ब्रेस दैट इज़ क्लियर स्क्रीन। और दूसरा होता है गेट CH GETCH गेट CH। उसके बाद भी देखो मैंने यहाँ पे void है, दैट्स वाई हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स ओपन और क्लोज कर दिया, अंदर कुछ नहीं रखा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पूरे कोड सी लैंग्वेज के अंदर दैट इज कि हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन रखते हैं हर एक लाइन के एंड में, पर void मेन के अंदर फंक्शन के अंदर हम लोग हर एक लाइन के एंड में दैट इज अ क्लोजिंग स्टेटमेंट दैट इज सेमी कॉलन, जो हम लोग यहाँ पे सेमी कॉलन रखते हैं। क्लियर स्क्रीन और गेट CH का काम क्या होता है, हम लोग जब एक बार रन करते हैं किसी भी चीज़ को, हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और उसको हम लोगों ने रन कर दिया अब एक बार, तो वो जो डेटा होता है वो वहाँ पे ही रहता है। अब हम लोग जब दूसरी बार रन करेंगे प्रोग्राम को या मॉडिफाई करके या कोई और प्रोग्राम लिख के, तो वो डेटा वहीं का वहीं रहता है और फिर हमारा क्या होता है मिक्सअप हो जाता है।
क्लियर स्क्रीन क्या है कि हम लोगों ने जो भी पुराना जितना भी डेटा हम लोगों ने रन किया होगा उस सारे डेटा को उड़ा देगा और एक नई क्लियर स्क्रीन के साथ हमारा रन टाइम चालू होगा। गेट सी एच क्या होता है? कंसोल विंडो को होल्ड करने का कमांड है। मतलब अगर हम लोगों ने तुम लोग अगर टर्बो सी अभी तक यूज़ किया होगा या अभी अब करोगे तो एक चीज़ मेंशन करूँगा मैं कि गेट सी एच के बिना तुम लोग ट्राई करना एक बार पूरा कोड लिखने का। क्या होगा? कंट्रोल F9 दबाओगे, ऑल्टर F9 दबाओगे, रन होगा आपका प्रोग्राम पर टिकेगा नहीं। मतलब पॉइंट सेकेंड के अंदर ब्लैक स्क्रीन आके चली जाएगी वापस। क्यों ऐसा? क्योंकि वो स्क्रीन वो रन हो रहा है आपका प्रोग्राम। आप ऐसा नहीं है कि आपका प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, प्रोग्राम रन हो रहा है लेकिन वो होल्ड नहीं कर पा रहा है। होल्ड करने के लिए हमको एक कमांड लिखना पड़ता है, दैट इज गेट सी एच। ओके, सो करेंटली हमारा ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर, उसको क्लोज करना भी जरूरी है। अगर क्लोज नहीं किया फिर भी एरर्स आएंगी। ये आपका बेसिक स्ट्रक्चर है। और मैं आपको सबसे बेस्ट एडवाइस देता हूँ कि अगर आपको सी लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज में जाना है तो सबसे पहले उसका बेसिक लैंग्वेज, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको रट डालो 15-20 जितनी बार बना सको। कभी ऐसा मत करना कि अगर आप एक प्रोग्राम बना रहे हो उसके बाद दूसरा प्रोग्राम बना रहे हो तो सिर्फ बीच का हटा के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो रख के फिर बीच में अलग लॉजिक टाइप कर रहे हो, ऐसा मत करना। क्योंकि वो जो होता है ना, ये इसकी प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा मेन होती है। रात को उठ के आँख बंद करके भी आप ये टाइप कर सकते हो अगर प्रैक्टिस होगी तो। अगर इसमें एरर्स आए तो पूरा प्रोग्राम, भले आप 500 लाइन का लिख रहे हो, 1000 लाइन का लिख रहे हो, बड़े प्रोग्राम्स लिख रहे हो, फिर भी आपको अगर ये याद नहीं होगा तो आपको आगे जाके इश्यूज आएंगे। मैंने यहाँ पे बहुत सारे दूसरे हेड ऑफ फाइल्स नहीं रखे, दैट इज string.h, time.h और बहुत सारी दूसरी भी हेड ऑफ फाइल्स है। वो सारी एक डिफरेंट लाइब्रेरीज है और उस हर एक चीज़ों के अलग अलग काम होते हैं। अब जब हमको वो चीज़ यूज़ करनी होती है तभी हम उसका यूज़ करते हैं, क्योंकि जितने लाइंस हम लोग ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना टाइम बढ़ेगा। और कोडिंग के अंदर अगर सबसे ज़्यादा हमारे कहावत होती है कि आपको शॉर्टेस्ट जो कोड लिख पाता ना वही बादशाह होता है। ठीक है, तो हमारा मेन काम वो क्या होता है कि हम लोग कम से कम लाइंस के अंदर बेस्ट लॉजिक और बेस्ट आउटपुट निकालें। तो ये रहा हमारा सबसे बेसिक और फर्स्ट पॉइंट आज हमारा खत्म हो गया, दैट इज हेड ऑफ फाइल्स। हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बाकी सारे पॉइंट्स को कवरअप करेंगे धीमे 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 से। और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ जितने भी प्रोग्राम्स मैं कराऊंगा आप घर पे ट्राई करो। ठीक है, और ट्राई अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो यार, डेफिनेटली मैं आपको हेल्प आउट करूंगा, आपको आंसर्स दूंगा आपके जो भी आंसर्स चाहिए। इस चैनल के अंदर अगर आपको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, दैट इज़ योर काइंड ऑफ चॉइस। बट अगर आपको पसंद आ रहा है और आपको पढ़ने की इच्छा है आगे लैंग्वेजेस, तो मैं और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस रखने वाला हूँ इसके अंदर। और डिटेल के अंदर हम लोग और भी स्टडी करेंगे बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ लैंग्वेजेस के अंदर जो सम्स होते हैं, लॉजिक्स होता है, या फिर इसके अंदर मैं बोलूँ अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं जो कॉमन नहीं होते, जो ज़्यादातर चैनल्स में आपको नहीं मिलेंगे, जो नॉर्मल नहीं होंगे, वो हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे और आपको उसके भी आंसर्स मिलेंगे। तो अगर दुनिया से हटके चलना है तो इस चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारे साथ बने रहो। थैंक यू।